जसपुर के ऐतिहासिक दशहरे का यह विशालकाय रावण बन के तैयार है पुष्पक विमान के साथ। दोस्तों आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इस वक्त हूँ मैं जसपुर के रणजीता मैदान में और जसपुर के रणजीता मैदान में विजयदशमी की भव्य तैयारी लगभग कंप्लीट है। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और ऐसे में जसपुर के रणजीता मैदान का हालत स्थिति इस टाइप से है। अभी लोग कुछ लोग आ रहे हैं और रावण को देख के जा रहे हैं। ऊपर में एक रावण बने हुए हैं, बहुत बड़े रावण बने हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे किस टाइप से तैयारी है उसको मैं कुछ तैयारी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज के जसपुर का मौसम ऐसा है, सुबह सुबह बारिश तो गिर रही थी लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम खुला है, हल्का हल्का धूप है। अब देखते हैं शाम के टाइम अगर बारिश आती है तो थोड़ा परेशानी होती है। पिछले साल बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। दोस्तों ये जो रावण है सबसे लास्ट में जलता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है उसके बाद जलता है और सारे रणजीता मैदान में लगभग खचाखच भीड़ रहती है। सारा जसपुर लगभग इसी मैदान में आ जाता है। रणजीता मैदान के नीचे साइड भी रावण का दरबार बनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ भी ये है रावण का दरबार। रावण के दरबार में घूम लिए? हाँ हाँ एकदम बढ़िया। और बताओ क्या सब अच्छा बना है? ये मेन रावण है, यहाँ पे कुछ लोग दान दक्षिणा भी किए हैं देख सकते हैं। रावण का दर्शन करने आए हैं? जी 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 बिल्कुल, हमारी बेबी जो है मैरिंग इसको जो है हम लोग दिखाने लाए हैं। जसपुर का ऐतिहासिक दशहरा, इसका पहला दशहरा है। पहला दशहरा है? जी जी जी। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से जसपुर के रणजीता मैदान में रावण दहन और लंका दहन की पूरी तैयारी हो गई है। कुछ देर में लोग आएंगे, आसपास के गांव वाले शहरवासी सारे लोग आते हैं और सब मिलके रावण दहन करते हैं। ये जो है आगे ये अपराजिता पूजन मंडल है, यहाँ पे विशेष पूजा होती है। वापस खेलूंगा। विजयदशमी की आपको सभी शुभकामनाएं, सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग यहाँ रावण के दरबार में आए हैं। हर साल जितना सुंदर रहता है उससे भी सुंदर इस बार है। हम लोग हर साल यहाँ देखने आते हैं। इस रास्ते से हनुमान जी आते हैं और अपने दल बल के साथ रावण की नगरी में जाते हैं और रावण को जला के आते हैं। इधर आ। काफी लोग यहाँ पे आए हैं और रावण के साथ सेल्फी ले रहे हैं। का भाई हाँ। यहाँ पे थोड़ा साउंड सिस्टम भी। दोस्तों यही रथ है, इसी रथ के माध्यम से जसपुर के रणजीता मैदान तक हनुमान जी की पूरी सेना, राम की पूरी सेना जाती है और रावण दहन, रावण की लंका को दहन करके आती है। अभी जसपुर के बालाजी मंदिर में विशेष पूजा होगी, उसके बाद निकलेगी यहाँ से राम की सेना।
तो दोस्तों जसपुर का लंका दहन, जसपुर का रावण का दहन का यही है अपडेट। पूरे लंका और यहां से जाने की पूरी तैयारी हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से रावण को जलाते हैं, किस टाइप से पूरी दशहरा मनाते हैं जसपुर में। सारा अपडेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। एक बात और, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।